हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी फंडा में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में इस तरह के डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आते हैं एफकेट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उस वजह से ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमने जो है अलग अलग क्वेश्चन जो है इसमें डाले हैं, और आप पूरे के पूरे इन क्वेश्चन को सोल्व करके जाइए एग्ज़ाम में। हो सकता है इनमें से ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं में से मैं आपको 2, 3 या 4 क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी सब बिल्कुल सेम है। आपको बस ये पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी सब ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न का मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होगा, 4 बॉक्स आपको दिए होंगे, स्क्वायर टाइप के होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, उनमें से 3 आपको बॉक्स भरे हुए मिलेंगे। ठीक है, एक बॉक्स आपको खुद भरना है इसमें से। ठीक है, और ऑप्शन में से ये देखना कि बेस्ट सुटेबल इसमें से कौन सा लगेगा आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है, अभी एक सेकेंड, मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, अब इनमें से आपको ये देखना है कि सीरीज कैसे चल रही है। ठीक है ना, अब देखिए ये अंदर की तरफ है सारे, पहली बात तो इधर वाला जो होगा ऑप्शन वो भी पहला तो अंदर की तरफ यूँ होगा। ठीक है, ये होगा सर आपका। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला भी ऊपर वाले की तरह ही है, ये होगा। अब ये देखिए इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, ये दोनों तो बाहर की तरफ है, नहीं हो सकते। ये दोनों भी बाहर की तरफ है, ये भी नहीं हो सकते, और ये दोनों आपस में इधर उधर हैं तो ये भी नहीं हो सकते। तो इसका आंसर फाइनल क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये PDF आपको पूरा मिलेगा, शुरू से आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए। हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया आपके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जो आपको लिंक दिया है उसके फोल्डर वाइज। ठीक है ना, तो रीजनिंग में जब आप जाओगे वहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल करके फोल्डर मिलेगा, तो नॉन वर्बल में कंप्लीशन ऑफ फिगर के नाम से बॉक्स होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए, उसके बाद जैसे ये हो गया आपका, उसके बाद जैसे अगला जो क्वेश्चन है मान लीजिए ये वाला करते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में यही नहीं है कि आप बिल्कुल सीधा लगा दोगे आंसर, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल पेपर पे आप पेंसिल लेके जाइए, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो इसको सॉल्व करें, अब जैसे ये लगा लीजिए आप कि क्या ये एक सीधा डंडा तो यहाँ पे लगा हुआ है, आपको ये वाला इधर बनाना है। ठीक है, तो पहले इतना इधर लोगे, तो यहाँ से इतना मान लीजिए आपने इधर ले लिया, एक सेकेंड, यहाँ से इतना मान लीजिए आपने इधर ले लिया। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये सीधा इसके इससे मिलाना है आपको ना, तो इससे ऐसे आपने ये मिला दिया, ये हो गया सर आपका, ये तो हो गया बॉक्स पूरा। अब इसमें तीर सा और ये और लगाना है। ठीक है, ये देखिए ये लग गया। ठीक है, अब इसमें से देखिए कौन सा, देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि तिरछा गया हुआ है, तो आपका फिगर जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा ना, पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर यूँ। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता है, सीधा गया हुआ है, ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तिरछा गया जाना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऐसे करके ऐसे फिर यूँ ऐसे और ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सॉल्यूशन मैंने दिए हैं दोस्तों, अलग पेज पे सॉल्यूशन है आपके, वो बिल्कुल सेम है। उसमें बस यहाँ पे जो है एक बॉक्स बना हुआ है इस तरह का, और उस पे सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन के सामने ही सॉल्यूशन है, वो आप देख लेना सारे के सारे। और ये अबाउट 30 क्वेश्चन के आसपास, 30 to 35 हैं, ये आपके 1 घंटे में सारे हो जाएंगे। ठीक है, सारे कर लेना, इनमें से ही क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको अब कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब इसमें क्या है, इसमें आपको पहले फिगर बनानी है, फिर ये डोटो का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बिल्कुल आसान था, इससे ऊपर वाला भी थोड़ा ठीक था, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो जैसे आप पहले क्या करेंगे, बॉक्स कंप्लीट करेंगे, एक सेकेंड, ये आपने बॉक्स कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गलती हो गई थी इसलिए, बॉक्स हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब आपको डंडा भी लगाना है इधर से। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अब देखिए क्या है, ये दोनों अंदर की तरफ डॉट्स हैं। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ बन रहे हैं डॉट्स, इधर वाले में भी अंदर की तरफ है, तो इधर वाले जो डॉट्स बनेंगे वो भी इधर अंदर की तरफ बनेंगे। अब से 1, 2, 3 डॉट्स है, तो इधर 4 डॉट्स आएंगे। ठीक है, तो आपकी फिगर जो बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, ये ऐसे, उसके बाद ये ऐसे, और यहाँ पे आपके 4 डॉट्स। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। अब देख लीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो उल्टा हो गया, ये भी नहीं हो सकता, इसमें से और इसमें से आपका आंसर है। बस इसी चीज़ में आपको देखना है, अब अंदर की तरफ कौन सा है आपका, अंदर की तरफ तो ये है ना सर, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, इस पर बिल्कुल मत लगाना है, गलत आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद
उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा बनाने पर, आसान है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। इसमें शुरू कहाँ से करेंगे आप? देखिए ये दोनों साइड जो है लीव्स में लगाई हुई है, तो इस साइड नहीं है और इस साइड नहीं है, पहले आप इसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे इधर हो गया, उसके बाद इसी पॉइंट से ऐसे लंबा और ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, आपका आंसर आपका आना चाहिए बस, ठीक है। अब ये है, अब इसमें से जैसे स्क्वायर का पूरा पार्ट होना चाहिए ना, तो ऐसे करके यूँ मिला दें, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बेसिकली ये बनेगा, जैसे ये पूरी लंबी लाइन है, ठीक है, इसमें से ये आपका ऐसे ऐसे 1 2, ठीक है, और आपका ये ऐसे करके। अब देखिए इसमें ये तो हो नहीं सकता क्योंकि तो सीधा ही लगा हुआ है, हमें तो तिरछा लेके जाना है फिर अंदर जाना है, ये नहीं हो सकता। अब ये क्या है, इसमें पहले नीचे गया हुआ है, फिर ऊपर गया हुआ है, फिर मिला है, हमें सीधा क्या है, 1 2 2 स्टेप में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले में है, इसमें पहले अंदर गया हुआ है, फिर बाहर, फिर ऊपर, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, तो फाइनल आंसर ये होगा। उसमें क्या है, पहले ये ऐसे गया, फिर ऐसे सीधा, ऐसे गया है, फिर ऐसे, और फिर सीधा स्क्वायर का ये लगा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने हैं फाइनल, ठीक है ना। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप देखिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है ये सब, ये आसान है, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये सब क्वेश्चन है ना, जितने भी हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए इसकी, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है सर, और 1 घंटे मैक्सिमम आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ समझ में नहीं आता तो सॉल्यूशन भी इसके दिए गए, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच, और जब आपकी इनकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आपको वही है प्रीवियस ईयर पेपर और वो प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट फाइनली, ठीक है।